Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. Today in this video, we will be talking about the Forex. But before starting the video, if you have not subscribed my channel yet, then please subscribe. Guys, Forex is composed of two words, that is the foreign and the exchange. And in this video, we will be talking about the concept of Forex, the importance of Forex and the reasons behind the record-breaking Forex reserve of India for 2020, and we will also be talking about the external debt of India. Let's talk about the Forex. Forex matlab foreign exchange. Foreign exchange matlab kisi dusri country ke saath apni currency ko exchange karna, matlab rupees ke badle mein dollars and dollars ke badle mein rupees lena. तो गाइज बेसिकली इस चीज़ की ज़रूरत क्या होती है, अगर हम लोग किसी दूसरी कंट्री से कुछ भी मंगवाते हैं, जैसे कि अगर हमने यूएसए से कुछ मंगवाया तो उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी हमें डॉलर्स में, क्योंकि हर कंट्री के पास अपनी अपनी करेंसी होती है. जैसे कि इंडिया के पास है रुपीज़, तो यूएसए के पास है डॉलर्स एंड जापान के पास है येन. तो ऐसे ही गाइज बेसिकली हर एक कंट्रीज के पास अपनी अपनी करेंसी है, एंड अगर हमें उनके साथ ट्रेड करना है, उनके साथ अपने रिलेशंस बढ़ाने हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाने हैं, तो हमारे पास बेसिकली उनकी कुछ करेंसी होनी चाहिए सो दैट हम उन्हें पेमेंट कर सकें अगर हम लोग वहाँ से कुछ भी इंपोर्ट करवा रहे हैं. तो बेसिकली गाइज ये होता है फॉरेक्स. अगर हम लोग किसी दूसरी कंट्री से कुछ मंगवाना चाहते हैं, वहाँ कुछ बेचना चाहते हैं, तो हमें उनकी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक कंट्री की करेंसी अलग होती है, तो इसे बोला जाता है बेसिकली फॉरेक्स. तो गाइज फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया बेसिकली है क्या? गाइज हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास एक फॉरेक्स रिजर्व नाम की चीज़ है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी रखी हुई होती है, क्योंकि अगर हमें ट्रेड करना है, बेसिकली अगर किसी को हमारे इंडिया में आना है, घूमने के लिए आना है, तो एज अ टूरिस्ट वो क्या करेगा, वो अपनी करेंसी लेकर आएगा एंड वो आरबीआई में उसे डिपॉजिट करवाएगा एंड आरबीआई से रुपीज़ की फॉर्म में कुछ मनी लेगा एंड आराम से इंडिया में घूमेगा, क्योंकि अगर उसे इंडिया में कुछ भी खरीदना है बेचना है तो उसे रुपीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है. ऐसे ही अगर हमारा कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो वो अपनी करेंसी में लेकर आने वाला है मनी, लेकिन इंडिया में तो वैल्यू है हमारी रुपीज़ की, तो वो आरबीआई के पास अपनी करेंसी डिपॉजिट करवाएगा एंड उनसे लेगा रुपीज़ एंड इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर देगा. तो इससे क्या होता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होता जाता है. लेकिन अगर हमें यूएसए में जाना है, वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करना है, तो हम आरबीआई में रुपीस डिपॉजिट करवाकर कुछ डॉलर्स ले सकते हैं. तो गाइज इससे बेसिकली क्या होगा कि हमने वहाँ से डॉलर्स लिए एंड यूएसए में घूमने चले गए, तो इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा. तो हमने देखा कि हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास होता है फॉरेक्स रिजर्व. तो इंडिया के आरबीआई, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है फॉरेक्स रिजर्व, जबकि यूएसए के फेडरल बैंक ऑफ यूएसए के पास होता है उसका फॉरेन रिजर्व. तो गाइस बेसिकली फॉरेन रिजर्व में कौन सी करेंसीज रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिनसे हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट मिलता है, जहां से हम लोग चीजें खरीदते हैं. तो बेसिकली गाइस फॉरेक्स रिजर्व से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता चलेगी वो ये है कि किस कंट्री से कितना ज़्यादा इम्पोर्ट आ रहा है एंड किस कंट्री के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे हैं. तो फॉरेक्स रिजर्व एक चीज़ जो सिंबलाइज करता है वो ये है कि दूसरी कंट्री के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं. लेकिन विद इन कंट्री हमें अपनी ही करेंसी चाहिए होती है कुछ भी खरीदने बेचने के लिए. फॉर एग्जांपल इंडिया में हमें रुपीस चाहिए तो यूएसए में चाहिए होंगे डॉलर्स. तो गाइज ऐसे ही होता है कि सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व होगा, लेकिन हाँ अगर हमें कुछ डिपॉजिट करवाना है, कुछ निकालना है, दूसरी करेंसी डिपॉजिट करवानी है, दूसरी करेंसी निकालनी है, तो वो आरबीआई ही है. लेकिन पूरा का पूरा फॉरेक्स रिजर्व हमारा आरबीआई के पास डिपॉजिट ना होकर आरबीआई वो कुछ करेंसी दूसरे बैंक्स में डिपॉजिट करवा देता है. फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री के सेंट्रल बैंक में, आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में हमारा कुछ फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है. नो डाउट वो डायरेक्टली हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो हम ईजिली उसे असेस कर सकते हैं. तो इस साल के लिए हमारा फॉरेक्स रिजर्व टोटल हो चुका है 555 बिलियन डॉलर्स. आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि हम इतनी बड़ी अमाउंट फॉरेक्स रिजर्व में रखे हुए थे. तो गाइस ऐसा क्या हुआ हमारे कोविड के एरा में कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो इतना बड़ा हो गया है? उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कॉम्पोनेंट्स क्या है फॉरेक्स रिजर्व के.
आखिर जो फॉरेन करेंसी है वो किस फॉर्म में हमारे फॉरेक्स रिजर्व में रखी हुई हो सकती है एंड किन चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं फॉरेक्स रिजर्व में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो डायरेक्टली कैश करेंसी दूसरी कंट्री की हमारे फॉरेक्स रिजर्व में प्रेजेंट है उसे बोला जाता है फॉरेन करेंसी एसेट्स। इसमें हम लोग बॉन्ड्स भी इंक्लूड करते हैं गाइस, जैसे कि एक पेपर वर्क हो जिसमें कि कुछ अमाउंट लिखी हुई हो एंड सिग्नेचर किए हुए हो, जैसे कि हमारे सेंट्रल बैंक के, तो बेसिकली डायरेक्टली करेंसी नहीं है। लेकिन अगर यूएसए से कोई इन्वेस्टर आया एंड वो बॉन्ड लेकर आया जिस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखी हुई थी, उनके फेडरल बैंक के सिग्नेचर्स थे, तो हम उसे एक फॉरेन करेंसी एसेट के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी जाकर इस बॉन्ड को सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करवाएं यूएसए के एंड वहां से करेंसी ले सकते हैं। सो हमने देखा कि डायरेक्ट करेंसी कैश या फिर अगर वो बॉन्ड, तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फॉरेक्स रिजर्व का। सेकेंड थिंग इज गोल्ड गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पर गोल्ड माइंस बहुत कम है, लेकिन बाकी की कंट्रीज में गोल्ड माइंस हैं, वहां पर डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है एंड इनकी कॉस्ट है कम, तो उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ पर आकर आरबीआई में गोल्ड रखेंगे तो उन्हें ज्यादा अमाउंट मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर वो किसी दूसरी कंट्री में रखते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड टूरिस्ट गोल्ड लेकर आते हैं, उसे आरबीआई में डिपॉजिट करवाते हैं एंड रुपीज लेकर अपने मन चाहे ढंग से उसे यूज करते हैं, या तो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दो कंपोनेंट्स हुए, एक थी फॉरेन करेंसी एसेट्स जिसमें आ रही थी हमारी करेंसी कैश एंड बॉन्ड्स, एंड द सेकंड इज द गोल्ड। अभी थर्ड पॉइंट है रिजर्व्ड ट्रेंड्स गाइस, आपने आईएमएफ के बारे में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गाइस। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली उसकी मेंबर कंट्रीज ने ही बनाया, उन्होंने एक कंडीशन रखी, एक कोटा रखा कि इतनी अमाउंट हर एक कंट्री को देनी पड़ेगी अगर वो आईएमएफ का मेंबर बनना चाहते हैं। गाइज आईएमएफ में बेसिकली डिफरेंट करेंसीज रखी हुई होती हैं एंड अगर हम लोग आईएमएफ का एक मेंबर हैं तो हम लोग कभी भी जाकर आईएमएफ को बोल सकते हैं कि हमें इस कंट्री की करेंसी चाहिए, हमें यूएसए डॉलर्स चाहिए या फिर हमें येन चाहिए। तो गाइज ऐसे ही हम लोग मेंबर बन सकते थे एंड जो अमाउंट हमने डिपॉजिट करवाई आईएमएफ में टू बिकम द मेंबर ऑफ द आईएमएफ, दैट इज नोन एज द रिजर्व ट्रेंच। तो गाइज ये बेसिकली डायरेक्ट फॉरेक्स रिजर्व तो नहीं है, लेकिन हाँ हमने आईएमएफ में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाई हुई है जिसके बेसिस पर हम लोग कभी भी आईएमएफ से किसी भी कंट्री की करेंसी ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, दैट इज द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। आखिर क्या होते हैं हमारे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स गाइस? जैसा कि हमने देखा कि आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें देनी पड़ती है गाइस, अगर हमें किसी भी चीज़ की मेंबरशिप लेनी है, किसी क्लब की, जिम की, तो हमें कुछ अमाउंट तो वहाँ डिपॉजिट करवाना ही पड़ता है, उसे हमने बोला था रिजर्व्ड ट्रेंच। लेकिन आईएमएफ ने एक कंडीशन लगाई कि आप 75% तो बेसिकली अपनी करेंसी में डिपॉजिट करवा सकते हैं जो कि कोटा था, लेकिन हम लोग 25% हमें किसी ऐसी कंट्री की करेंसी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी जहाँ से इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आईएमएफ ने 5 ऐसी करेंसीज चुनी जो सबसे ज़्यादा थी डिमांड में, मतलब जो कंट्रीज सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही हैं बेसिकली हमें उन्हीं की करेंसी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जैसे कि यूएसए हुआ, चाइना, जापान, तो वो बेसिकली क्या है कि वो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हमें उनकी पेमेंट बेसिकली उन्हीं की करेंसी में करनी पड़ती है। तो आईएमएफ ने 5 करेंसीज चुनी जिसमें से एक है डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, येन एंड एक है हमारे चाइना की करेंसी रेनमिनबी। तो गाइस बेसिकली ये 5 करेंसीज थी जिसमें से क्या था कि रिजर्व्ड ट्रेंच के रूप में हम लोग 75% अपनी करेंसी मतलब रुपीज के रूप में डिपॉजिट करवा सकते थे एंड 25% बेसिकली इन करेंसीज में। आखिर ये कंडीशन क्यों अप्लाई हुई? जैसा कि हमने देखा कि आईएमएफ से हम लोग कभी भी किसी भी कंट्री की करेंसी ले सकते हैं, तो गाइस आईएमएफ के पास वो करेंसी होनी भी तो चाहिए, तो इसीलिए उसने क्या किया कि 25% कंडीशन रख दी कि आपको ऐसी कंट्री की करेंसी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड जहाँ से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमने 4 कंपोनेंट्स के बारे में देखा, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, रिजर्व ट्रेंच एंड द स्पेशल ड्राइंग राइट्स।
नाउ कमिंग टू द reasons, क्यों हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है. गाइस सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कोविड के एरा में टूरिज्म बहुत कम हो गया है. हम लोग यूएसए में, जापान में, चाइना में घूमने ही नहीं जा रहे, तो हम लोग आरबीआई को बोल भी नहीं रहे कि हमें उनकी करेंसी दे दो, तो वो एज इट इज हमारे फॉरेक्स रिजर्व में पड़ी हुई है. ना हम लोग दूसरी कंट्री से कुछ ज्यादा इम्पोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली अपने ही यहाँ पर सब कुछ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व में करेंसी पड़ी हुई है वो एज इट इज पड़ी हुई है, वो बाहर नहीं जा रही. तो एज अ रिजल्ट अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से कुछ करेंसी आती है, अगर एफडीआई होता है तो भी करेंसी आती है, एंड इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व डे बाय डे हो रहा है इंक्रीज. तो गाइस बेसिकली हमने एक लेक्चर पहले देखा था वीकली करंट अफेयर्स में कि कैसे एफडीआई इंडिया का इंक्रीज होता जा रहा है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे बोला जाता है एफडीआई. तो गाइस वो फॉरेन इन्वेस्टर बेसिकली अपनी करेंसी में पैसे लेकर आएगा एंड वो आरबीआई में डिपॉजिट करवा कर रुपीज लेगा एंड इंडिया में इन्वेस्ट करेगा. तो इससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डे बाय डे हो रहा है इंक्रीज. एंड गाइस दूसरी कंट्री में गोल्ड की वैल्यू कम है, डिमांड कम है, तो क्या है कि इंडिया में डिमांड ज्यादा होने के कारण, कॉस्ट ज्यादा होने के कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स गोल्ड लेकर आते हैं, आरबीआई में डिपॉजिट करवाते हैं एंड उसके बदले में रुपीज लेकर उसे मनचाहे रूप में इस्तेमाल करते हैं. तो इससे भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. गाइस फॉरेन करेंसी एसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, एंड $512 बिलियन आउट ऑफ $555 बिलियन तो फॉरेन करेंसी एसेट्स ही है. मतलब हमारे पास इतना पड़ा हुआ है करेंसी एंड बॉन्ड्स. और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं करवा रहे तो जो डॉलर्स येन हमारे पास पड़े हुए थे वो एज इट इज पड़े हुए हैं, एंड हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ और भी आ जाती है हमारे पास करेंसी. इससे हमारा फॉरेन करेंसी एसेट्स बढ़ता जा रहा है. एंड गाइस इस कोविड के टाइम में क्या हुआ है, दूसरी कंट्रीज की जो करेंसी थी वो बेसिकली डेप्रिशिएट हो गई है, उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है. पहले मान लो यूएसए की जो करेंसी थी डॉलर है उसकी वैल्यू थी 80 रुपीज, अभी अगर उसकी 70 हो गई तो इसका मतलब हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई एंड उनकी डेप्रिशिएट. मतलब अगर हम लोग पहले 1000 रुपीज में एन नंबर ऑफ डॉलर्स खरीद सकते थे तो अब हम लोग N+5 डॉलर्स खरीद सकते हैं 1000 रुपीज देकर. तो इससे क्या होगा, अगर हमारे पास 1000 डॉलर्स पहले पड़े हुए थे तो उनकी रुपीज में वैल्यू थी कम, लेकिन अभी क्या हुआ कि उनके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं एज कंपेयर टू बिफोर, क्योंकि उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है एंड हमारी कंट्री हुई है एप्रिशिएट. तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस थे क्यों हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया डे बाय डे हो रहा है इंक्रीज. नाउ कमिंग टू द थिंग कि हमें फॉरेक्स की जरूरत क्या है. गाइस जब भी हम लोग किसी दूसरे को कोई चीज बेचते हैं तो हम लोग ये चीज जरूर देखते हैं कि वो इतनी पेमेंट कर पाएगा या नहीं. गाइस आपने देखा ही होगा, अगर आप मार्केट में भी कुछ खरीदने जाते हैं, मान लो आप कपड़े ही खरीदने जाते हैं, तो जो दुकानदार होता है वो आपके कपड़ों को एक बार स्कैन जरूर करता है कि आप कैसे बन के आए हैं, आपका क्या स्टैंडर्ड है, उसी अकॉर्डिंगली वो आपको कपड़े दिखाता है. एंड अगर उसको लगे कि आप उसके स्टैंडर्ड के नहीं हैं तो वो इवन आप में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता. तो ऐसे ही अगर हमारे पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व होगा तो दूसरी कंट्रीज़ को पता है कि हम लोग आसानी से उनकी पेमेंट कर पाएंगे, तो दूसरी कंट्रीज़ इंपोर्ट करना चाहेंगी हमारे इंडिया में. लेकिन अगर हमारे पास उनकी करेंसी है ही नहीं तो वो हम उनकी पेमेंट भी कैसे करेंगे, तो वो इम्पोर्ट करना भी ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे इंडिया में. तो इससे क्या होगा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत बढ़ गया है, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि गारंटी हो जाएगी दूसरी कंट्रीज को कि हम लोग अच्छे से इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में एंड हमारी पेमेंट सही टाइम पर हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज हम लोग एक ग्लोबल मार्केट प्लेयर बन जाएंगे अगर हमारे पास अच्छा खासा है फॉरेक्स रिजर्व. जैसे कि चाइना के पास नियरली बहुत ज़्यादा है फॉरेक्स रिजर्व, दैट इज नियरली ट्रिलियंस में है उसका फॉरेन रिजर्व, एंड हम लोग सिर्फ $555 बिलियन में ही इतने खुश हो रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉरेक्स रिजर्व हासिल कर लिया है. गाइस चाइना के पास बहुत ज़्यादा करेंसी नहीं पड़ी हुई, लेकिन उसके पास पड़े हुए हैं बॉन्ड्स. गाइस हमें पता है कि यूएसए एंड चाइना में एक कोल्ड वॉर है, लेकिन वो ज़्यादा एग्रेशन क्यों नहीं शो कर पा रहा हमारा यूएसए,
क्योंकि यूएसए के बहुत सारे बॉन्ड्स चाइना के फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हुए हैं, एंड हमारा चाइना कभी भी यूएसए के फेडरल बैंक में जाकर ये बोल सकता है कि मुझे करेंसी चाहिए, एंड उससे क्या होगा, यूएसए में बहुत ज़्यादा मंदी आ जाएगी एंड उनकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में आ जाएगी। तो इसलिए बेसिकली यूएसए चाइना से थोड़ा डरता भी है, एंड हमारा चाइना इसीलिए बन गया है ग्लोबल मार्केट प्लेयर क्योंकि उसके पास है बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व। तो ऐसे ही अगर हमारे पास बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व हो जाएगा तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे क्योंकि उनके बॉन्ड्स, उनकी करेंसी हमारे पास पड़ी होगी, तो उनको कहीं ना कहीं डर होगा कि हमने अगर उनसे बॉन्ड के बदले में पैसे मांग लिए तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड गाइज, आपको पता है कि 1990 में हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना छोटा था कि हम लोग 15 दिन के लिए भी कॉन्टिन्यूस इम्पोर्ट नहीं करवा सकते थे बिना एक्सपोर्ट किए। लेकिन जो आज हमारा 555 बिलियन डॉलर फॉरेक्स हो चुका है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक साल कॉन्टिन्यूसली इम्पोर्ट करवा सकते हैं विदाउट एनी एक्सपोर्ट। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व कितना इंक्रीज हो गया है इन 30 ईयर्स में। तो बेसिकली गाइज, फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल डेप्ट। डेप्ट मतलब उधारी, एक्सटर्नल मतलब बाहर से। मतलब अगर हम लोग उधारी इंडिया के बाहर से लें, मतलब अगर हम लोग किसी दूसरी कंट्री के बैंक से या फिर इंडिया के बाहर की किसी कंट्री से कुछ उधारी लेते हैं, डेप्ट लेते हैं, तो उसे एक्सटर्नल डेप्ट बोला जाता है। अगर गवर्नमेंट ले, कोई प्राइवेट कंपनी, एनजीओ ले, तो उसे एक्सटर्नल डेप्ट में ही इंक्लूड किया जाता है। गाइज, अगर किसी भी कंट्री का एक्सटर्नल डेप्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसकी रैंकिंग बेसिकली डिक्रीज हो जाती है क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ को बेसिकली लगता है कि ये तो पहले ही इतनी उधारी में है, बैंक्रप्सी में है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा, यहाँ पर तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर हमारा एक्सटर्नल डेप्ट बहुत कम होगा तो इससे बेसिकली क्या होगा कि दूसरी कंट्रीज़ को लगेगा कि ये बहुत स्टेबल इकनॉमी है एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा। तो बेसिकली लेसर विल बी द एक्सटर्नल डेप्ट एंड मोर विल बी द FDI। मतलब अगर एक्सटर्नल डेप्ट कम होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इंक्रीज क्योंकि हमारी रेटिंग है जो बेसिकली वो इंक्रीज हो जाएगी ईज ऑफ बिजनेस में। गाइस, हमारा एक्सटर्नल डेप्ट हमारे फॉरेक्स रिजर्व के बिल्कुल इक्वल पहुंच चुका है। हमारा एक्सटर्नल डेप्ट भी है 555 बिलियन डॉलर्स। गाइस, जो हमारा एक्सटर्नल डेप्ट है वो हमारी गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी या फिर एनजीओ के कारण हो सकता है। तो दो तरह के एक्सटर्नल डेप्ट होते हैं, एक तो जो लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब हमें 4, 5, 6, 7 साल में डिपॉजिट करवाने हो, पूरे करने हो, मतलब एक साल से ज़्यादा टाइम में अगर हम लोग उससे चुकता करवा पाए तो उसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेप्ट। मतलब हम लोग एक साल का टाइम ले सकते हैं उस लोन की अमाउंट को देने के लिए, तो उसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेप्ट। लेकिन अगर हमें विद इन 1 ईयर देना हो तो उसे बोला जाएगा शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट। तो बेसिकली गाइज, 80% ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ इंडिया तो है हमारा जो है लॉन्ग टर्म एंड 20% है शॉर्ट टर्म। तो गाइज, 8 ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल डेप्ट को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीलेटरल लोन्स, मतलब जो हम लोग वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। अगर हमने वर्ल्ड बैंक से कुछ अमाउंट ली है, जैसे कि इस कोविड की एरा में हमने वर्ल्ड बैंक की हेल्प ली है कुछ पैसे लेने के लिए सो दैट हम लोग अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाए, तो ये भी इंक्लूड होगा हमारे एक्सटर्नल डेप्ट में। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बायलेटरल लोन। अगर हमने किसी कंट्री से ले लिया, मतलब यूएसए से डायरेक्टली हमने कुछ लोन लिया है, तो उसे बोला जाएगा बायलेटरल लोन। नेक्स्ट इज द IMF लोन। गाइस, IMF लोन को बेसिकली मल्टीलेटरल लोन से अलग रखा जाता है, लेकिन नो डाउट IMF में भी बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, लेकिन हाँ, इसको एक एज अ कॉम्पोनेंट डिफरेंटली ले लिया जाता है क्योंकि हम लोग IMF के बेसिकली हैं मेंबर्स। नेक्स्ट इज द ट्रेड क्रेडिट। बेसिकली क्या है कि हमने यूएसए से मान लो बहुत सारे कंप्यूटर्स मंगवा लिए, लेकिन हमने उनकी पेमेंट नहीं की, हमने उनको बोला कि हम कुछ टाइम बाद आपकी पेमेंट कर देंगे, तो उसे बोला जाता है ट्रेड क्रेडिट। मान लो हमने किसी कंट्री में, मान लो बांग्लादेश में हमने कुछ कर दिया एक्सपोर्ट, लेकिन वो हमें इस टाइम कुछ पैसे नहीं दे पा रहे, तो वो भी बेसिकली इंक्लूड होने वाला है ट्रेड में, ट्रेड डेप्ट में। लेकिन ये बेसिकली एक्सटर्नल डेप्ट का पार्ट हो जाएगा,
क्योंकि अगर हम लोगों ने बाहर से कुछ मंगवा लिया है लेकिन हमने उनको पैसे नहीं दिए तो वो बेसिकली एक तरह की हमारे पर उधारी ही है एंड उसे बोला जाता है ट्रेड क्रेडिट। नेक्स्ट इज द कमर्शियल बोरोइंग, मतलब हमने किसी कंपनी को सेटअप करने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए बाहर से उधारी ली तो उसे बोला जाएगा कमर्शियल बोरोइंग। देन इज द NRI डिपॉजिट, मतलब कोई NRI आया, उसने इंडिया में अपना बैंक अकाउंट खोला एंड वहां पर अपनी करेंसी डिपॉजिट करवा दी या फिर रुपीज डिपॉजिट करवा दिए, तो वो NRI कभी भी बेसिकली आ सकता है एंड बोल सकता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो भी एक तरह की हमारे पर हो जाती है उधारी। नेक्स्ट इज द रिपीट डेप्ट, इसमें बेसिकली गाइस क्या होता है कि कुछ कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, वो हमारी करेंसी भी एक्सेप्ट करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आज हमसे कुछ मंगवा रही हैं तो वो कल हमें कुछ बेचेंगी, या फिर अगर आज वो हमें कुछ बेच रही हैं एंड हम उन्हें उसके बदले में रुपीस दे रहे हैं तो वो बेसिकली वो रुपीस को यूज़ करके हमारे इंडिया से इन फ्यूचर कुछ खरीदेंगी ही। तो ऐसी कंट्रीज जो हमारी करेंसी एक्सेप्ट करें एंड हमारी है उधारी तो उसे बोला जाता है बेसिकली रुपी डेप्ट। नाउ लास्ट इज द शॉर्ट टर्म, मतलब हमने बोला कि 4-5 महीने में हम आपकी उधारी चुका देंगे, तो ऐसे एक्सटर्नल डेप्ट को हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट। तो ये थे 8 कॉम्पोनेंट्स जो कि एक्सटर्नल डेप्ट को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। गाइज सम क्वेश्चंस फॉर यू, गाइज आपको GDP और एक्सटर्नल डेप्ट का रेशो लिखना है कमेंट सेक्शन में, देन आपको लिखना है एक्सटर्नल डेप्ट और GDP का, फॉरेक्स और GDP का, एक्सटर्नल डेप्ट और फॉरेक्स का, ये कुछ रेशोज हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। सो गाइज अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगा हो कि आपको बहुत मजा आया देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।